हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोबारा फिर से वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आइडियाज़ में। तो जिस चीज़ को आप आज स्टडी करेंगे वो है फेसबुक की प्राइवेसी के बारे में। तो प्राइवेसी में दोस्तों वो चीज़ें आ जाती हैं जो आप लोग दूसरों को नहीं शो करवाना चाहते, आपकी ज़ाती चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाती है आपकी, कौन आपकी जो आने वाली पोस्ट है वो देख सकता है, कौन उन पर कमेंट कर सकता है, कौन उनको लाइक कर सकता है, कौन उनको शेयर कर सकता है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से सेटिंग्स में चलते हैं। तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पे जो थ्री डॉट्स बने होते हैं वहाँ पे क्लिक करें, और अगर यहाँ से पीसी से लॉगिन है तो सेटिंग्स पे क्लिक करें। सेटिंग्स पे आने के बाद सबसे पहले हम प्राइवेसी में चलेंगे। यहाँ पे प्राइवेसी की सेटिंग्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। फ्यूचर पोस्ट से मुराद है कि जब जो नई पोस्ट है आपने करनी है नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली, वो कौन से लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपको एडिट पे क्लिक करते ही आप पब्लिक प्राइवेट और यहाँ पे सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से कोई एक अच्छा सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कर दोगे ओनली मी पे तो आप ही सिर्फ अपनी जो करोगे पोस्ट हैं फ्यूचर में वो देख सकते हो। फ्रेंड्स पे करोगे फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फ्रेंड्स को आप टैग कर सकते हो, जो मतलब स्पेसिफिक फ्रेंड डिफाइन कर सकते हो जो देख सकें। यहाँ पे फिलहाल मैं इसे पब्लिक रहने देता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ रिव्यू ऑल द पोस्ट दैट थिंग दैट यू आर टैग इन, जो भी आपके दोस्त आपको टैग करेंगे तो वो पोस्टें आप यहाँ से जाके यूज़ एक्टिविटी लॉग में देख सकते हो। तो फिलहाल मेरी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है नोटिफिकेशन बार के अंदर, टाइमलाइन व्यू के अंदर मुझे किसी ने अभी तक कोई टैग नहीं किया हो। तो ये हो गया। सेकंड हो गया लिमिट द ऑडियंस ऑफ द पोस्ट दैट वी शेयर विद द फ्रेंड्स एंड पब्लिक। अगर ये आप कर देते हो तो आपकी जितनी भी पास्ट की पोस्ट हैं वो आपकी सिर्फ फ्रेंड्स तक ही लिमिटेड हो जाएंगी, इसके अलावा कोई बंदा उनको नहीं देख सकेगा। तो यहाँ पे ये इन्होंने इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट नीचे चलते हैं, वो कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। इससे मुराद ये है कि आप लोगों को कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बंदा फ्रेंड रिक्वेस्ट ना सेंड करे तो आप फ्रेंड्स कर दें। ये भी होता है कि दोस्तों के दोस्त ही आपको सेंड कर सकेंगे, एनी वन या एवरी वन नहीं कर सकता। यहाँ पे वो लिखा हुआ हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। तो फ्रेंड लिस्ट में ये है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट कौन सा बंदा देख सकता है, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको कौन से लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कर देंगे फ्रेंड्स को या फ्रेंड्स स्पेसिफिक फ्रेंड्स डिफाइन कर देंगे या कस्टम कर सकते हैं, ओनली मी पे कर सकते हैं, आप ही देखें। यहाँ पे लिखा हु कैन लुक अप यूजिंग ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइड यू। यहाँ पे ये है कि जो भी आप लोगों ने ईमेल एड्रेस अपनी दिया हुआ है फेसबुक आईडी के अंदर, उसके ज़रिए आपको कौन सा बंदा मतलब कोई बंदा आपको फेसबुक पे सर्च करके ढूंढ सकता है कि नहीं ढूंढ सकता। तो इसमें ओनली मी करने से यह है कि नहीं ढूंढ सकेगा, जो आपने नंबर प्रोवाइड किया हुआ है उसके ज़रिए आपको ढूंढ सकते हैं फेसबुक पे सर्च करके कि नहीं, उसको भी आप एडिट करके तो यहाँ से ओनली मी में ले जा सकते हैं। डू यू वांट टू सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल। तो सही मुराद है कि अगर आप बाहर किसी वेबसाइट पे फेसबुक के ज़रिए लॉगिन होते हो तो वो आपको लॉगिन हो करवाए कि ना करवाए, तो यहाँ से इसको भी आप मैनेज कर सकते हो।